ईवीएम नहीं है, आजकल है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, ये ईवीएम है, इसके साथ है आपका जो कहता है वीवीपैट, तीसरा है कंट्रोल पैनल। दुनिया में ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कंट्रोल पैनल जिसको हैकिंग नहीं किया जा सकता। आपका मोबाइल हैक हो सकता है तो कंट्रोल पैनल भी हैक हो सकता है। मैं ईवीएम में विश्वास करता था, नहीं करता था, ऐसा नहीं है, लेकिन बाद में सबसे पहले देखा तब हम लोगों ने मास्टर नहीं किया, सबसे पहले सवाल उठाया था कौन ईवीएम लेके, भारतीय जनता पार्टी का सांसद आज राज्यसभा का, उसका जो किताब है वो किताब का फॉरवर्ड लिखा था लाल कृष्ण अडवाणी, वो किताब बाजार से गायब है। उन्होंने सवाल उठाया था क्यों वो हार रहे थे, हार रहे थे शायद ईवीएम के कारण, मैं नहीं, मैं तो मानता हूँ कि, लेकिन एक बात है सबको मानना पड़ेगा, ये चर्चा इसलिए जो फील्ड में इस बार काम कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा लोकतंत्र का मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा सुलझा है, आपको देखना है, लोगों को पूछना है, ईवीएम में जाके जो वोट दिया उसका ठीक से वीवीपैट आया कि नहीं है। देखिए चुनाव आयोग सब डिमांड तो नहीं मान रहे, विरोधी दल को उन्होंने समय मांगा, अभी तक समय नहीं दिया, फिर भी 100% वीवीपैट का डिमांड है कि जो पर्ची आपके पास आएगा वो बैलेट बॉक्स में डालना, उसको उसके बाद गेंद देना, दोनों को टैली करना, होगा ना, ये तो कानून नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, इतना बड़ा लोकप्रिय नेता विश्व गुरु है, वो तो अपने आप ही जीत सकता है ना, ईवीएम वो बैलेट में सभी में जीतेगा ना, तो करने में मना क्यों कर रहा है, शक किसी से पैदा होता है, ये शक के कारण, शक के कारण ही एक परसेप्शन जो बन गया, आपने एक बता दिया, सबने कवर किया, किसी ने कहा था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर रहे हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी नेता कहा था, तो हो गया, तो होने के बाद ये शक और मन में आया कि शायद हो सकता कि नहीं है। मैंने तो चैनल में सुझाव दिया था उतना जरूरत नहीं है, सिर्फ गुजरात और उत्तर प्रदेश में बैलेट में वोट करा दीजिए, बाकी जगह भी ईवीएम करें, दूध का दूध पान का दूध हो जाएगा, सब लोग मान लेंगे कि ठीक है भाई गलत था, अच्छा हुआ ना। तो इसलिए ये एक चीज है जिसके लिए हम चाहेंगे कि सारे पत्रकार को इस बार ये देखना है, देखिए बाकी मीडिया जो है उससे तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, वो कौन सा चैनल दूरदर्शन है आजकल देखने में बड़ा मुश्किल हो रहा है, सभी को दूरदर्शन लग रहा है, अखबार पढ़ने से लगता है पीआईबी प्रेस रिलीज पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए कभी कभी छोटा मोटा इधर उधर कुछ खबर छिटपुट आ जाता है अपना इज्जत रखने के लिए कुछ छप देते हैं, अदरवाइज तो कुछ ऐसे नहीं है। इसके कारण सबसे जरूरी है पत्रकार ये पत्रकार को मिलकर खासतौर पर जो सोशल मीडिया के लिए काम कर रहा है, तो अल्टरनेटिव मीडिया जिसको कहा जाता है उसकी जिम्मेवारी बढ़ जाता है, उसको ये काम इस बार लोकतंत्र का रक्षा करने के लिए करना पड़ेगा। ये पहली बार आपको रिपोर्टिंग जो मर्जी करे, किसके इंटरव्यू दिए ना ले, सब एक काम जरूर करना, जो वोट दे के आया है बाहर, आपने वोट डाला ईवीएम में, आपका वीवीपैट आया, सिर्फ ये सवाल करना, उसी एक सैंपल सर्वे भी हो जाता है हर गांव में, मेरा खुद मैं खुद विक्टिम हूँ, मैं ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, मेरा वोट है गांव के अंदर बिरंडी गांव, मैं वोट देने गया था लास्ट चुनाव में, जब वोट डाला देखा वीवीपैट आया नहीं, मैंने पूछा तो हमको प्रिसाइडिंग ऑफिसर सीआरपी बुला के धमकी दिया, तो हमारे लिए अगर ये हो सकता है तो आम जनता के लिए सोचिए। मैं यूपी में थी उसके बाद 5-6 गाँव में घूमा, पूछा लोगों को आपने किसको वोट दिया था, बोले हमारा गांव में तो हम वोट ही नहीं दिया कमल पे, लेकिन हमारा गांव से तो जीता है, सबके मन पे एक शक है, इस शक को दूर करना सरकार का छवि के लिए विश्व गुरु के लिए भी अच्छा है, अगर ये शक दूर करेंगे तो, नहीं करेंगे तो ये दाग रह जाएगा, क्योंकि इस बार चुनाव के बाद ये सवाल जरूर उठेगा कि चुनाव सही ढंग से हुआ कि नहीं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये मुद्दा के ऊपर काम करना है, किस तरह से कवर करेंगे, फ्लैग क्या देंगे, वो देते रहेंगे वो अलग बात है, लेकिन लोकतंत्र के लिए एक अग्नि परीक्षा है, मीडिया के लिए एक चुनाव अग्नि परीक्षा है, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मीडिया के ऊपर हमला भी ज्यादा पाएगा। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि कश्मीर के पत्रकार को जिसको बेल मिला था उसको फिर गिरफ्तार किया गया था, आवी दूसरी उसको कोर्ट ने कहा था कि उससे कोई दोष मिला नहीं है, कोर्ट को बेल मिला फिर भी, हम इसके ऊपर स्टेटमेंट करना चाहते हैं, बाकी सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन डर रहा है, दुर्भाग्य की बात है, हम प्रेस क्लब की तरफ से कर रहे हैं स्टेटमेंट, हम उसको कुछ बात करेंगे, हम चाहते हैं कि प्रेस काउंसिल इसका निष्पक्ष जांच करे, अगर वो गलत है टेररिस्ट है तो प्रेस काउंसिल करे ना, वो हमारे लिए उसके ऊपर भरोसा है, देखते हैं क्या होता है, इसलिए सबसे हमारा यूनिटी आज सबसे बड़ा जरूरी है,
हम इतना डिवाइडेड है इसके कारण ही इन लोगों को फायदा मिल रहा है। जितना आप डिवाइडेड होगा उतना फायदा। आप इस समय कुछ समय के लिए, अंत तो मैं कहूंगा 4 महीने के लिए, अपने ईगो को छोड़ दीजिए। कौन प्रेस क्लब का अध्यक्ष है, कौन चुनाव में हरा है, सब भूल जाइए। आप एक होइए, एक होकर सिर्फ लोकतंत्र के लिए लड़िए, बस उसके साथ हम है। ये जो कंस्ट्रक्शन का बात तो कहा, मैं एक छोटी सी एक एग्जाम्पल दे दूं। मैं पिछले बार एक टीवी चैनल मैंने को हायर किया था बंगाल चुनाव कवर करने के लिए, मैं गया था तो सभी ने तो प्रचार कर रहा था, बीजेपी से स्वीप कर रहा है। मैं सिर्फ कैमरा पर्सन जो मैदान में था उनके साथ सुबह हम मीटिंग करते थे, सारे माने बड़े बड़े जिसको आप बॉडी मीडिया कहते हैं उसको चैनल का भी कैमरा मैन, सब ने कहा था दादा बिल्कुल झूठ है, पीछे जो लोग आए सुन रहा है देख रहा है, बोले कुछ लोग पैसे लेके आए, कुछ लोग बिना पैसा देखने के लिए भी आए, सुनने के लिए भी आए, बोले वोट तो जाएगा तृणमूल को, वोट तो जाएगा नहीं। तो उसी से मैंने जब चैनल में कहा कि मिनिमम तृणमूल कांग्रेस आवाज फिर से स्वीप कर रहा है, विश्वास नहीं करते, थोड़ा कम करके दिखाया था नंबर। एनीवे तो ये बड़ा चीज है जो कैमरा पर्सन, उसको कॉपी नहीं लिखना है, उसको सिर्फ सुनना है और देखना है, जो जनता जा रहा है वो देख रहा है। तो हम बहुत सारे पत्रकार भी पूछते हैं ना किसी जगह पे शहर में जाके, भाई क्या लग रहा है, पत्रकार अपने हिसाब से कहेंगे, लेकिन वो कैमरा पर्सन जो सही है वो ठीक सुना ठीक बोलेगा, क्योंकि उसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। वो फोटो कैमरा में ऐसे कैद करके रखा, हमको कैमरा वोटर का बात कैद करके दिखाया, देखिए वोटर ये बोल रहा है, लेकिन वो दिखाया नहीं चैनल में। तो ये बात है कि और सबसे बड़ी बात मैं मानता हूँ, सब अच्छी बात कहा है यहाँ पे कि अब इश्यूज पे ज्यादा ध्यान दीजिए। अब तो भूल जाइए, देश में एक बड़े नेता था बाल ठाकरे, जिसका वोटिंग राइट सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया था 6 साल के लिए, क्योंकि वो कम्युनल प्रचार कर रहे थे। आजकल तो कम्युनल प्रचार ऑर्डर के लिए है, जो कम्युनल नहीं करेगा वो तो हारेंगे, इस टाइप का हो गया। सुप्रीम कोर्ट तो भूल जाइए, किसी के उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहा है। जो देश का बड़े नेता उसका वोटिंग राइट चला जा सकता है सिर्फ कम्युनल प्रचार के कारण, आज कम्युनल प्रचार पोलराइजेशन करने का एक तरीका बन गया है। इसलिए आप लोग उस जगह पे जाके जहां जाएंगे, ये ज्ञान दे रहा हूं कि जरूर उस एरिया का इश्यूज उठाइए, और इश्यूज के लिए पिछले सरकार क्या काम किया, सरकारी कामकाज का अच्छा हुआ तो अच्छा बोलिए, मैं नहीं कहूंगा तो अच्छा हुआ तो मत बोलिए, अच्छा हुआ तो अच्छा बोलिए, लेकिन लोगों का रोजगार क्या हुआ, कामकाज क्या हुआ, इसके बारे में जरूर मुद्दा आप बोलते रहिए। पोलराइजेशन का वो जो ट्रैप है वो ट्रैप में मत फंसिए, उसको करने दीजिए, उसके लिए तो आपका गदी मीडिया है, वो तो करेंगे, लेकिन उसमें आप लोग नहीं करेंगे, ये मुझे आशा है। और एक ने फेक न्यूज का बात भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इलेक्शन कमीशन को देखना था, वो भी इस बारे में थोड़ा साइलेंट है। हम लोग प्रेस इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे, चुनाव के दौरान इसके बारे में ध्यान दें। दूसरी बात है कि हम सोच रहे हैं कि चुनाव के समय में प्रेस क्लब की तरफ से हम एक कंट्रोल रूम भी खोलेंगे, ताकि जहां जहां मीडिया के ऊपर अटैक होगा तुरंत हम उसको इलेक्शन चुनाव आयोग के पास पहुंचाएंगे, और जो बाकी सारे पत्रकार संगठन को साथ लेके चलेंगे। इसलिए आप निर्भय होकर अपना काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। हम कितना कर पाएंगे कोई गारंटी नहीं दे पा रहा, लेकिन आपके साथ खड़ा रहूंगा, ये मैं बोलता हूँ। मतलब किसी एक एक्स चैनल ने आपने कुछ वीडियो देखा उठा देखा, वीडियो का प्रिंट का बात तो अलग है, आप दूसरे को शेयर कर दीजिए, दूसरे को शेयर कर उसको वायरल बनाइए, सबको एक इकट्ठा, ये ऑर्गेनाइजेशन का काम होना चाहिए। आप बीजी पंप के साथ भी बात कीजिए, बात कीजिए, हम अगर जेन्युइन कुछ वीडियो उठाते हैं उसको हम कैसे वायरल करें, और उसके साथ हम हैं, उसके साथ हमको भी दीजिए, हम भी तुरंत कार्रवाई करेंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे, और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है, इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया, आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है।
बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीरदास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीत छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख, ईवी रामास्वामी, स्वामी अछूतानंद, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है, आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट, बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए।